जय श्री राधे। क्या आपको भी पेट की समस्या है? क्या आपको भी डायबिटीज़ का डर है, या डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, या आप प्री डायबिटिक हैं, या फिर आपके ब्लड शुगर में प्रॉब्लम है, या फिर आपका शुगर हमेशा ब्लड में बढ़ा रहता है? तो अगर आपको ये सब समस्या है, आपको पेट की कोई भी संबंधित समस्या है, तो मैं कुछ सरल से लेके कठिन तक 4-5 आसन बताऊंगा आपको। अगर आप इन आसनों का अभ्यास डेली करोगे, थोड़े से वार्म अप करने के बाद, अपने शरीर को गर्म करने के बाद, तो बस मैं शर्त लगाता हूँ कि योग के इन आसनों से आप 3 से 4 महीनों में अपनी समस्या को बिना किसी पैसे, बिना किसी खर्चे के पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं। तो इन आसनों का अभ्यास कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला आसन है, आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों को और हिप को, एड़ियों को हिप के पास लगाकर आपको ऐसे बैठना है और अपने हाथों को पेट पर रखना है, ऐसे मुट्ठी बांध के इस तरीके से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ मुड़ जाए। यहाँ पर आपको 10 से 15 श्वासों तक रुकना है और गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करना है। सारा ध्यान श्वास पर लगाएं और 10 से 15 श्वासों के बाद इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाए, बैक को, स्पाइन को सीधा रखते हुए। इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, अगर आपको प्रेशर कम फील होता है, तो अपने मुट्ठियों को इस तरह से बांधें और खड़ी मुट्ठी को अपने नाभि, अपनी जो नाभि है उसके आसपास रख दें, और यही प्रक्रिया आपको दोबारा दोहरानी है। 10 से 15 सांसों तक आपको आगे की तरफ मुड़ना है। जिन लोगों को अक्सर पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, अफरा बनता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्रॉब्लम है इंसुलिन की, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पवन मुक्त आसन है, आपकी गैस को रिलीज कर देगा ये। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को आपस में लाना है, पास में अपने पेट के पास लेके आए, जितना लेके आ सकते हैं। अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ के पेट के पास चिपकाएं, एक्सहेल करते हुए अपने सर को भी ऊपर उठा दें और 15 श्वासों तक यहाँ रुकें। हर बार श्वास आएगी और जाएगी, श्वास लें तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट दबेगा। उससे आपको एहसास होगा कि आपकी जांग और पेट के बीच में प्रेशर बन रहा है और आपकी गैस रिलीज हो रही है। इसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप दोनों पैरों से समर्थ नहीं हो, तो एक पैर को लंबा कर दो और दूसरे पैर से यही प्रक्रिया दोहराइए। इसमें तीसरा आसन है वक्रासन। तो वक्रासन में आपको एक पैर सीधा रखना है और दूसरा पैर दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है मोड़ के। इसमें आपको ट्विस्ट करना है। अगर आप ट्विस्ट करने में ज़्यादा समर्थ नहीं है, तो आप कुछ इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, धीरे धीरे समय के साथ। जो लोग पटले हैं वो थोड़ा आगे जा सकते हैं, आपका लचीलापन बढ़ता जाएगा। और अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं, पीछे की तरफ देखिए, तो भी ठीक है। और समय के साथ जब आप इसका अभ्यास करोगे, तो 15-20 दिनों में आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप इसको पकड़ने में समर्थ हो जाओगे। और इस तरह से इस पंजे को पकड़ के अपने पेट से अपने जांघों को से अपनी थाई, अपने पेट को दबाना है। और यहाँ भी आपको 10 से 15 गहरी लंबी सांसों तक रुकना है। 1, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट दबेगा। सारा ध्यान सांसों पर लगाना है, तो आपकी जांग से आपका पेट एक्सक्यूज होगा और वहाँ से जूसेस सेग्रीगेट होंगे। इसमें तीसरा आसन है, जो कि सबसे बढ़िया आसन है, अर्धमत्स्येन्द्र आसन। अर्धमत्स्येन्द्र आसन में आपको वही चीज करनी है जो अभी की थी वक्र आसन में, पर इसमें आपका सीधा पैर मुड़ के आपके हिप के पास आ जाएगी एड़ी, और दूसरा पैर आपके घुटने के पास आ जाएगा। इसमें भी आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। अगर आप ज्यादा समर्थ नहीं है ट्विस्ट होने में, तो बस आपको पीछे की तरफ मुड़ना है और अपनी जांग से अपनी पेट आपके आप दबने लग जाएगी। धीरे धीरे समय के साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ेगी, तो आप पंजों को पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे। इसमें भी पीछे की तरफ देखें और 8 से 10 गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करें। इनहेल करेंगे तो पेट फूलेगा, एक्सहेल करेंगे तो पेट दबेगा। इन सभी आसनों से होगा क्या कि आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे स्क्यूज होंगे। आपको दोनों तरफ से ये करना है। स्क्यूज होंगे तो वहाँ से जूसेस सेग्रीगेट होंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनमें ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत से आपके मसल्स जो अंदर के हैं, आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, वो स्ट्रोंग होंगे। और जब वो स्ट्रोंग होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो
गैस बनने का, अफरा बनने का, डायबिटीज़ होने का, या फिर ब्लड में शुगर बढ़ने का, या फिर इंसुलिन ना बनने का, वो सारा का सारा प्रोसेस सही होने लगेगा। और 3 से 4 महीनों में आप देखोगे कि आप डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक हो, या फिर आपका इंसुलिन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको गैस, अफरा, बदहजमी का प्रॉब्लम है, वो ठीक होता चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको इन सब तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो लोग अभ्यास करेंगे तो मैं शर्त लगाता हूँ 3 से 4 महीनों में उनको बहुत आराम आ जाएगा, फ्री में, बिगर पैसे के, सिर्फ अपने शरीर का उपयोग करके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। जय श्री राधे।